SN Live सच सबसे आगे। सिवान पुलिस के लिए मिला जुला रहा वर्ष 2022। आपराधिक घटनाएं हुए तो बदमाशों पर कसा गया नकेल। 2022 में 93 हत्या, डकैती की 12 घटना, चोरी के 1204 और 55 लूट ने बढ़ाई चिंता। 11 माह में 105 सशस्त्र, 290 गोली, 705 वाहन, 770,740 रुपए बरामद। आपराधिक घटनाएं कमोबेश सभी जिले में होती हैं और उन घटनाओं के ग्राफ को कम करने के लिए जिम्मेदारी खाकी की होती है। जिला पुलिस भी इस पर काम कर रही है। एक वर्ष एक तरह से सिवान पुलिस विभाग के लिए मिला जुला रहा। यह जरूर है कि 2022 में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई, लेकिन पुलिस द्वारा इन कांडों में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी भी की गई। इस वर्ष 11 महीने के आंकड़े ये बताते हैं कि यहां आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है। कई बड़े बड़े बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने हथियार, नगद रुपया, गोली सहित कई सामान बरामद किया। जनवरी 2022 से नवंबर तक में अलग अलग घटनाओं में 93 लोगों की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हथियार के बल पर 55 लोगों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इसके अलावा 12 डकैती और 1204 चोरी के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। चोरी, हत्या, लूट, दुष्कर्म, रंगदारी, गोलीबारी, अपहरण, साइबर क्राइम की बढ़ रही घटनाओं के लिए आम जनता जिम्मेदारी से प्रश्न खड़ी कर रही है। इस साल थाने में सीसीटीवी कैमरे डायल 112 की शुरुआत हुई। बता दें कि इसी साल सभी थानों और ओपी को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया। वहीं शहर, महाराजगंज एवं मैरवा में डायल 112 की शुरुआत हुई, जिसे आम लोगों को फायदा मिल रहा है। अभी जिले में डायल 112 की 8 गाड़ी है। तो चलिए अब नजर डालते हैं 11 माह के पुलिस के उन कामों को, जिसकी वजह से अपराध के ग्राफ में लगभग मिला जुला असर देखने को मिला। सिवान में देसी शराब 25,772.33 लीटर बरामद हुआ। वहीं विदेशी शराब 33,217.41 लीटर पुलिस ने बरामद किया। वहीं अगर महुआ शराब की बात करें तो महुआ शराब 13,220 लीटर बरामद हुआ और सशस्त्र 105 बरामद हुए। गोली 290 जबकि वाहन 705 पुलिस ने जब्त किया। वहीं पुलिस ने अपराधियों से नकद के रूप में 717,740 रुपए बरामद किया। वहीं अगर सिवान में अपराध की बात करें तो पिछले 11 महीने में 93 हत्या हो चुकी है, डकैती के 12 घटनाएं सामने आई, वहीं लूट की 55 घटनाएं सामने आई। वहीं अगर बात करें चोरी की तो चोरी सिवान में लगातार बढ़ती जा रही है और 1204 चोरी के मामले सामने आए। वहीं गृह भेदन के मामले की बात करें तो 93 साधारण दंगा सिवान में 85 हो गए। बताइए दंगा कितनी बड़ी संख्या में हो रहे हैं कि सिवान में दंगे 85 हो जाते हैं और पुलिस प्रशासन इसे कम करने की कोशिश लगभग ना के बराबर कर पा रहा है। सामान्य अपहरण की बात करें तो 282 अपहरण सिवान में आ चुके हैं और बलात्कार के 12 मामले सिवान से सामने आए हैं। जहां दहेज हत्या की बात करें तो 35 हत्याएं सिर्फ दहेज के मामले में हो चुकी है। अपहरण और जिसमें फिरौती मांगा गया हो, ये एक भी घटना सामने नहीं आई है। वहीं सिवान में गंभीर दंगा 2 हो चुका है। इस बाबत SP शैलेश कुमार सिन्हा ने कहा कि ये वर्ष पुलिस के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। कई बड़े बड़े बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, वहीं हथियार सहित कई सामानों को बरामद भी किया गया। आने वाले साल में नए तरीके से अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी है। भले पुलिस प्रशासन इसे अपनी उपलब्धि के रूप में जोड़े, लेकिन हत्या और बलात्कार जैसे मामले और चोरी जैसे घटनाएं सिवान पुलिस के लिए एक चिंता का सबब जरूर है। सिवान से SN Live के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।